नमस्कार साथियों, तो आज हम ये क्वेश्चन करेंगे जो कि हमने लिया है फिर जी जे एडवांस रिव्यू पैकेज 2 से, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ सेक्शन सी। क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि एक कंटीन्यूअस फ्लो वाटर हीटर गीजर हैज वाटर इनलेट टेंपरेचर 10 डिग्री सेल्सियस व्हाइल द वाटर फ्लोज आउट एट अ रेट 20 ग्राम पर सेकेंड। सो एक गीजर है कुछ जो पानी गर्म करता है, उसका अंदर का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है और जो गीजर की पावर है 2100 वाट, और ये जो पानी निकाल रहा है उसकी रेट दे रखी है आपको 20 ग्राम है, तो कन्वर्ट कर लेते हैं केजी में, केजी पर सेकंड, इतने से पानी बाहर निकाल रहा है गर्म पानी। द आउटलेट टेम्परेचर ऑफ वाटर इज इतना, कि बाहर किस टेम्परेचर से पानी निकलेगा ये हमको निकालना है, ठीक। और ये दे रखा है कि गीजर की पावर जो है वो 2100 वाट है, मतलब 2100 वाट वो ले रहा होगा लगातार सप्लाई से, जहां पे उसका प्लग बोर्ड लगा होगा उससे वो लगातार इतनी पावर ले रहा होगा। तो हम समझते हैं कि भाई जितनी पावर लेगा वो सारी पावर देगा, ये तो लॉ इक्वेशन बैटरी का। सो पावर इनपुट इज इक्वल टू पावर आउटपुट, इनपुट कितना है 2100, आउटपुट कितना होगा पावर, आउटपुट पावर इज डी क्यू बाई डी टी, एंड डी क्यू वी नो दैट कि एम एस डी टी होता है। सो पुट कर सकते हैं कि भाई एम मास दे रखा आपको, इसको आप पुट कर लेते हैं, सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा ये डी एम बाई डी टी इंटू एस इंटू चेंज इन टेम्परेचर, मतलब यहाँ पे उसको बोल देते हैं कि ये मास डी एम है कुछ, सो डी एम बाई डी टी, और एस डेल्टा टी कर लेते हैं। सो डेल्टा टी दे रखा आपको टी माइनस कुछ 20, टी माइनस कुछ 10, ये आपको गिवन है, और दिस इज इक्वल टू 20 इंटू 10 की पावर माइनस 3। ऐसा आपको बता होता है वाटर का, ये होता है 4200 जूल में निकाल दिया हमने, टी माइनस 10 एंड दिस इज इक्वल टू 2100, इससे कट गया 2 बचा, सो टी माइनस 10 इज इक्वल टू 10 की पावर 3 अपॉन 40, दिस इज इक्वल टू 25 एंड टी इज इक्वल टू 35 डिग्री सेल्सियस। ये इसका तापमान होगा आउटलेट का जिससे पानी बाहर निकल रहा होगा। सो इस क्वेश्चन में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।